हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ संजय सर, फिजिक्स फैकल्टी। टुडे विल डिस्कस अबाउट एनसीईआरटी क्लास नंबर 12, चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अभी तक जो हमने वीडियो लेक्चर किए उसमें हमने डिस्कस किया फर्स्ट में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया तो ऑर्स्टेड ने, फिर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमने लिखाया बायो सावर्ट लॉ से, फिर स्टेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाला हमने किस एम्पियर सर्किटल लॉ से, जो अल्टरनेटिव मेथड है बायो सावर्ट की, ओके, मैग्नेटिक फील्ड निकालने की। फिर हमने रिंग के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो दिखा। फिर हमने ऐसे एन नंबर ऑफ रिंग हो, जैसे कि सोलेनोइड का कंस्ट्रक्शन हो, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमने डिराइव किया। फिर हमें सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हमने टोरॉइड यूज़ किया। टोरॉइड पढ़ने के बाद हमने फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो फोर्स में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स देखा, फिर हमने उस मूविंग चार्ज को कंबाइन इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तब हमारा जो कंबाइन फोर्स लगता था उसके ऊपर, जो लॉरेंज फोर्स के नेम से जाना जाता है, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया। लॉरेंज फोर्स के बाद हमने करंट कैरिंग वायर को कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे तो उस वायर के ऊपर जो इफेक्ट आती है मैग्नेटिक फोर्स की, उसके बारे में डिस्कस किया। फिर टू करंट कैरिंग वायर को पैरेलल रखे थे, उसके अंदर एक ही डायरेक्शन में करंट पास करवाते, तब उसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, वो हमने डिस्कस किया था। फिर करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते तो उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क के बारे में डिस्कस किया, टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकाला, ओके, कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है वो भी हमने डिस्कस किया। फिर हमने गैल्वेनोमीटर को देखा, गैल्वेनोमीटर में हमने पूरा कंस्ट्रक्शन देखा, वर्किंग देखा। गैल्वेनोमीटर एज ऐसा डिवाइस है जिसका यूज़ करके हम करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं सर्किट के अंदर, कौन सी डायरेक्शन में करंट जा रहा है वो हम पता कर सकते हैं, वेरी वेरी सेंसिटिव डिवाइस है। और उसमें हमने सेंसिटिविटी भी निकाली थी, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का नॉर्मल मीनिंग होता है स्टूडेंट के हम पर यूनिट में करंट पास करवाए उसमें, या तो पर यूनिट करंट में कितना डिफ्लेक्शन होता है तो उसको ही हम करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं, और या तो पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी। उसके फॉर्मूला हमने डिराइव किए थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। फॉर्मूला था हमारे पास करंट सेंसिटिविटी 5/I, 5 था हमारा डिफ्लेक्शन, के पर यूनिट करंट अप्लाई करने से जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, ओके, उसको ही हम क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। और उसका फॉर्मूला था NAB/K, जिसमें N नंबर ऑफ टर्न्स, A एरिया ऑफ कॉइल, B मैग्नेटिक फील्ड के टोरिजन कांस्टेंट। उसके बाद वोल्टेज सेंसिटिविटी 5/V इक्वल्स टू क्या लिखे थे यहाँ पे हम, ओके, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला था NAB/K इंटू 1/R, ये आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी था। ये करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करना हो तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हो, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी आपका कांस्टेंट रहता है, क्योंकि टर्न्स आप देखो एन टर्न्स होंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी आपकी क्या होगी, NAB/K। लेकिन जब 2N करोगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या होगा, देखो इंटू आर भी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी NB, ये 2N हुआ, तो डिनोमीटर में भी क्या होगा, 2R इंटू के, 2 कैंसिल, मतलब ये सेम ही रहेगा, मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज नहीं होगी, वो रिमेन कांस्टेंट होगा, ओके। और ये करंट सेंसिटिविटी आप इंक्रीज कर सकते हो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के, एरिया बढ़ा के, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा के, या तो टोरिजन कांस्टेंट को डिक्रीज करके, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे, ओके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गैल्वेनोमीटर का यूज़ एज अ एमीटर और एज अ वोल्ट मीटर, ओके। हमारे पास दो मीटर है, एक मीटर का नाम है वोल्ट मीटर और दूसरा है एमीटर। एमीटर बेसिकली क्या है, तो कि एम्पियर को मेजर करने वाला, उसको हम बोलते हैं एमीटर। मीटर एक डिवाइस होता है जो मेजरमेंट करते हैं, ओके। यहाँ पे हम पहले तो हम देखेंगे गैल्वेनोमीटर को ऐसा एमीटर में कैसे वर्क करवा सकते हैं, ओके। जब हम एमीटर गैल्वेनोमीटर को ऐसा एमीटर वर्क करवाई तो कौन कौन सी डिफ़िकल्टी आ सकती है उसके बारे में स्टार्टिंग में हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, के फर्स्ट आपके पास मान लो कि कुछ ऐसा सर्किट है, ये आपके पास बैटरी है, ओके, इसके साथ अपने रजिस्टेंस, कुछ रजिस्टर लगाया हुआ, ओके, ऐसे रजिस्टर लगाया। फॉर एग्जांपल इसका रजिस्टेंस की वैल्यू R इक्वल्स टू 5 ओम है, और यहाँ से जो करंट जा रहा है, मतलब वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हो 10 वोल्ट है। आपको करंट मेजर करना है, करंट बेसिकली प्लस टर्मिनल टू माइनस टर्मिनल, मतलब में हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है सर्किट में। हम इक्वेशन के थ्रू यहाँ आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है, तो IR होगा V = IR, तो यहाँ पे इक्वेशन के थ्रू निकाल तो V = IR करें तो हमें यहाँ से I = V/R से करंट मिल सकता है। V आपको गिवन है, कितना है, 10 वोल्ट, ओके, डिवाइडेड बाय 5 ओम, तो I आपको मिलेगा स्टूडेंट, कितना मिलेगा यहाँ पे,
10 डिवाइडेड 5 करोगे तो 2 एम्पियर। तो स्टूडेंट 2 एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को एज ए मीटर यूज़ करना है। तो स्टूडेंट आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको आगे जाके भी इम्पोर्टेंस करेगी जब आप आगे के हायर स्टडी में जाओगे। हम मीटर को कहाँ पे लगा सकते हैं, तो यहाँ पे देखोगे ए मीटर मतलब एम्पियर को मेजरमेंट करें, एम्पियर को मेजरमेंट, तो एम्पियर मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज किस में कांस्टेंट रहेगा, सीरीज में। करंट किस में कांस्टेंट रहता है, सीरीज में, इसलिए हमें मीटर को सीरीज में लगाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मीटर को सीरीज में लगा रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर को एज अ मुझे ए मीटर यूज़ करना है, मतलब मैं करंट मेजर करना है, तो मुझे उसको सीरीज में लगाना पड़ेगा। तो ये मैं गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगा रहा हूँ, सीरीज में मतलब एक साथ, ओके, ऐसे मैं सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ, क्लियर। ये आपका रेजिस्टेंस था, कितना था ये 5 ओम, ओके। ये गैल्वेनोमीटर जी, ये आपकी बैटरी वी इक्वल्स टू 10 वोल्ट, और यहाँ से कुछ करंट जा रहा था आई, ओके स्टूडेंट। अभी देखो कि यहाँ पे जब गैल्वेनोमीटर लगाने से, गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन में हमने देखा था कि गैल्वेनोमीटर के अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल यूज होती है, ऐसे रेक्टेंगुलर कॉइल यूज़ कर रहे थे हम, जिसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं, और टर्न्स बढ़ने से लेंथ बढ़ रही है, मतलब जो वायर यहाँ पे वाउंड किया है उसकी लेंथ बढ़ रही है, और हमें पता है कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। तो मतलब मैं ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कुछ हाई होगा वहाँ पे, क्योंकि इसमें जो गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया गया है रेक्टेंगुलर कोयल, मतलब रेजिस्टेंस तो है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का। अभी स्टूडेंट कोई भी यूनिवर्स में ऐसा मतलब मैं डिवाइस नहीं है कि कोई चीज़ नहीं है, मतलब मैं जिसको हम कंपोनेंट के फॉर्म में यूज़ करें जिसका रेजिस्टेंस जीरो, कुछ ना कुछ होगा, कम होगा लेकिन कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, मतलब ये डिवाइस इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि वायर का यूज़ होगा तो वहाँ पे आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, तो मतलब में रेजिस्टेंस तो होगा ही। और यहाँ इस केस में तो एन नंबर ऑफ टर्न से एक लूप बनाया गया, रेक्टेंगुलर कोइल बनाई गई है, तो इसके अंदर तो रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए गैल्वेनोमीटर का। अभी स्टूडेंट एक चीज़ वो भी आपको पता है कि जब आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन हो, मान लो कि ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें ये 2 ओम और ये 3 ओम दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है, तो इनका R इक्विवेलेंट क्या आएगा, तो कि 2+3 सीरीज में तो ऐड होता है रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे 5 ओम आया। तो ये रिजल्टेंट जो आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो जो यहाँ पे लार्जर वैल्यू था रेजिस्टेंस है उससे भी लार्ज है। देखो लार्जर वैल्यू 3 ओम्स थी हमारे कनेक्शन में, उससे भी आपका इक्विवेलेंट लार्ज है। इसका मीनिंग क्या हुआ, तो देखो कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का कुछ रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस है 5 ओम का, तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा तो उनका जो इक्विवेलेंट निकलेगा और ज़्यादा आएगा, तो इसमें से करंट आई जाने की जगह पे क्या आएगा, आई डेस आएगा, ओके। तो मतलब में जो हमें इसमें से जो करंट पास हो रहा सर्किट में से वो तो मेजर कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि तो अपोज कर रहा है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा, ओके। तो मतलब में आपका जो करंट है वी इज इक्वल टू आई आर के फॉर्म में करंट निकाले, तो I इक्वल्स टू ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो V बाय R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट में क्या होगा, सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, G प्लस R हो जाएगा। R G मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, यहाँ पे मैं G किसको इंडिकेट कर रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को, मतलब ये बढ़ रहा है, डिनोमीटर इंक्रीज होगा तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मतलब मैं आपको एक्चुअल करंट मेजर करके नहीं देगा, तो ये डिफ़िकल्टी आएगी कि डायरेक्ट आप गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करोगे, ओके, सीरीज़ के अंदर कोई कंपोनेंट के अंदर से पास होने वाला करंट फाइंड करना हो, तो उस केस में आपको एक्चुअल करंट फाइंड करके नहीं देगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उसको हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो जो इक्विवेलेंट आएगा और ज़्यादा आएगा, क्योंकि सीरीज़ में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ये आइडिया हमें क्लियर है। अभी मुझे क्या करना है, तो कि मुझे करंट को मेज़र करना है लेकिन एक्यूरेट करना है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को हम लो कर दे, तो हमें जितना भी करंट यहाँ से आ रहा है वो सब मेज़र कर सकते हैं, इसके अक्रॉस में कितना पास होगा वो, तो लो करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कब लो हो सकती है, तो कि जब रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पैरेलल में हो तब उसको हम कम कर सकते हैं। ये आइडिया हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या रजिस्टर के अंदर, ओके, चैप्टर नंबर 3 के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के अंदर हमने ये डिस्कस किया था। अभी स्टूडेंट यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी, तो कि करंट डायरेक्ट इस गैल्वेनोमीटर में से पास होगा, और गैल्वेनोमीटर में तो ये कोइल यूज़ की है, और ये वेरी वेरी सेंसिटिव कोइल है, और सेंसिटिव कोइल है, जब इसमें से करंट पास होगा तो I2RT के फॉर्म में हीट प्रोड्यूस होगा, ओके, हमें पता है ना हीट का फॉर्मूला H=I2RT। तो कि करंट पास हो रहा है R जितने रेजिस्टेंस में से T टाइम में, क्योंकि लेंथ है रेजिस्टेंस तो होगा, तो हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करने से वो जो टर्न्स है वायर है वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएंगे वो,
ओके, गर्म हो जाएगा पूरा, हीट करेगा, ओके। तो मतलब मैं बंद होने के वजह से ये पूरा हीट करेगा, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन दिखाना बंद कर देगा, मतलब वो ख़राब हो सकता है गैल्वेनोमीटर जब लार्ज अमाउंट का करंट इसमें से पास होगा गैल्वेनोमीटर में से। तो डायरेक्टली हम लार्ज अमाउंट का करंट गैल्वेनोमीटर में से नहीं पास करवाना चाहते, क्योंकि हीट की जो प्रॉब्लम है वो है एक। दूसरा यहाँ पे कि हमें एक्चुअल करंट की वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सभी जो ड्रॉबैक है उसको रिमूव करने के लिए हम एक आइडिया ले सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में से यहाँ पे पैरेलल में कोई एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दे, तो जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दे तो जिसकी वैल्यू गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू से कम हो, तो उसके बाद क्या होगा कि इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो कम से कम आएगा। क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, देखो यही एग्जांपल में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लें, ये मान लो कि 2 ओम और ये 3 ओम, इनका इक्विवेलेंट निकाले तो क्या होता है इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन, तो मल्टीप्लाई करो 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2 + 3, ये क्या होगा 6/5, तो ये तो वैल्यू कम आएगी, जो 2 है उससे भी कम वैल्यू आएगी 6/5, ओके। तो मतलब मैं यहाँ पे हम ये जो पैरेलल में रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रहे, ओके, जिसकी वैल्यू गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से कम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 50 ओम हो, तो हम यहाँ पे संट की वैल्यू, इसको संट बोला जाता है, जब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाता है जिसको बोला जाता है संट, और उसकी वैल्यू गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से कम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम 50 ओम रख रहे हैं, तो यहाँ पे संट की वैल्यू 51 नहीं रख सकते हम, ओके, तो आंसर आएगा ही नहीं कुछ, मतलब मैं आप करंट को डिवाइड ही नहीं कर पाऊँ। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर से कम अमाउंट वाला, ओके, कम अमाउंट वाला रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ओके। तो चलो उसका अरेंजमेंट देखते हैं और वैल्यू निकालते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका अरेंजमेंट, ये देखो यही अरेंजमेंट में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपका एस हो जाएगा जी और ये आपका एस, ओके। तो इस केस में करंट यहाँ से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू कम होती है। यही डायग्राम को यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ये आपका गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस हम कैपिटल जी कंसिडर कर रहे हैं, इसके पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रहा है जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से कम होता है, ओके। यहाँ पे कंडीशन ऐसी है, एस इज़ वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू जी, ओके, और ये आपका एस है संट। अभी स्टूडेंट कि हम यहाँ पे कितनी संट की वैल्यू रखे कि करंट डायरेक्टली यहाँ से चला जाए, ओके, यहाँ से यहाँ पे चला जाए, क्यों, क्योंकि देखो कि करंट वैसे ही पाथ पे, मतलब ये देखो यहाँ पे जंक्शन है, जंक्शन के पास करंट डिवाइड होता है, और मैक्सिमम करंट कहाँ से पास होगा, जहाँ पे लो रेजिस्टेंस होगी। अभी एस की वैल्यू तो कम है गैल्वेनोमीटर से, मतलब मैक्सिमम करंट यहाँ से पास होगा, तो गैल्वेनोमीटर के कोयल के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा इतना ज़्यादा, क्योंकि इसमें से कम अमाउंट का करंट पास होगा, क्लियर। और जो इसकी वैल्यू क्या होगी, इनके इक्विवेलेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मतलब मैम जितना करंट हमें चाहिए वो हम यहाँ पे कन्वीनियंटली ले सकते हैं, ओके। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो कि संट की वैल्यू कैसे मैं सेट करूँ कि मैं यहाँ पे जो हम डिजायर्ड रेंज है आई की वैल्यू वो मेजर कर सकते हैं। तो मुझे संट की वैल्यू यहाँ पे चेक करनी है कि एस में कितना रखूँ कि जो मुझे मेजरेबल जो करंट है आई वो मैं मेजर कर सकता हूँ। मतलब मैं, मुझे मान लो कि 10 मिली एम्पीयर मेजर करना हो तो मुझे संट की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, तो उसका मुझे न्यूमेरिकल फॉर्मूला डिराइव करना हो तो कैसे करें। तो इस केस में आपको देखो यहाँ से करंट आ रहा है आई, ये जो करंट आ रहा है आई, जंक्शन के पास करंट डिवाइड होगा, तो ये गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाला करंट को हम बोल देते हैं आई जी। आई जी मतलब गैल्वेनोमीटर में से जो फ्लो होने वाला करंट, ये जो पास होने वाला करंट जिसको हम बोलेंगे आई जी, और ये संट में से पास होने वाला करंट जिसको हम बोलेंगे आई एस, ओके। दोनों मर्ज हो के यहाँ पे ऐड होके क्या बनाएंगे, वापस आई बना देंगे, ओके, क्लियर। तो चलो इस पूरे लूप के अंदर हम केवीएल अप्लाई कर दे तो हमें एस की वैल्यू मिल सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा लेबलिंग कर देते हैं, लेबलिंग में क्या करें तो कि लूप बनाना पड़ेगा आपको, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो ये एक क्लोज लूप दिख रहा है, इसमें हम केवीएल अप्लाई करें। चलो ए डायरेक्शन में केवीएल अप्लाई करें, केवीएल में हमारी डायरेक्शन ये है, ये जो एरो शो कर रहा है ये हमारी डायरेक्शन के, हम इस डायरेक्शन में केवीएल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अप्लाइंग केवीएल इन लूप, कौन सा लूप ले रहे, तो कि ए से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ स्टार्ट करें वहीं पे वापस आना चाहिए, ए बी सी डी ए। तो केवीएल क्या था स्टूडेंट, तो समेशन आई आर इक्वल्स टू जीरो, ये अपना फॉर्मूला था। तो चलो यहाँ पे मैं अप्लाई करूँ तो इस डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ रहा हूँ,
तो देखो ये करंट हो रही है, रेजिस्टेंस है, तो हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम हो तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, इसलिए माइनस लिखते हैं। तो माइनस आई एस डॉट एस, फिर आगे आए देखो तो ये करंट की डायरेक्शन और हम इस तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा आपका आई जी डॉट जी इक्वल्स टू जीरो। ओके, हमें निकालना है वैल्यू एस की, ये वाला टर्म उस साइड ले जाए, तो माइनस आई एस डॉट एस इजिकल टू माइनस आई जी डॉट जी, ये इक्वेशन बनेगा। एस को सब्जेक्ट बना दूँ, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल, तो एस इक्वल्स टू आई जी डॉट जी डिवाइडेड बाई आई एस, ये आपका फॉर्मूला बना। अभी स्टूडेंट आई एस है वो सल्ट में से पास होने वाला करंट है, तो ये आई एस की वैल्यू आप यहाँ पे जंक्शन रूल के ऊपर से फाइंड कर सकते हो। ओके, तो हम आई एस की वैल्यू निकालने के लिए केसीएल अप्लाई कर दे, अप्लाइंग केसीएल एट ए जंक्शन ए। ओके, हम यहाँ पे जंक्शन ए के ऊपर केसीएल अप्लाई करें, केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लो और केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लो। वोल्टेज लो मतलब मैं वो लूप के लिए, क्लोज लूप के लिए, और जंक्शन के लिए, करंट के लिए जो हमें फाइंड करना होता है, हम जंक्शन लो अप्लाई करते हैं। तो हमें पता है कि समेशन आई इक्वल्स टू जीरो जंक्शन लो था ये। ओके, इसमें इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेते हैं और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव लेते हैं। इनकमिंग कौन सा करंट है, आई है जंक्शन ए के पास, और आउटगोइंग करंट है वो आई एस और आई जी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई माइनस आई जी माइनस आई एस इजिकल टू जीरो, आई जी ये आई एस, क्लियर। देखो ये आई एंटर हो रहा है और ये एग्जिट हो रहा है आई जी और आई एस जंक्शन के पास, तो ये पॉजिटिव, आने वाला करंट पॉजिटिव, जाने वाले करंट को हम नेगेटिव लेंगे। हमें फाइंड करना आई एस, तो आई एस को सब्जेक्ट बना दे, तो आई माइनस आई जी इक्वल्स टू आई एस, ये माइनस उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा। चलो इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर टू दे देते हैं और इसको नंबर वन दे देते हैं। तो इक्वेशन वन और टू के ऊपर से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू एस इक्वल्स टू, संट की वैल्यू है एस इक्वल्स टू आई जी डॉट जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी, ये आपका संट का फॉर्मूला होगा। ओके, आई जी मतलब गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाला करंट, जी मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, आई मतलब जो हम मेजर करने वाले हैं वो करंट की रेंज, माइनस आई जी मतलब करंट गैल्वेनोमीटर में से जो पास हो रहा है वो। तो ये संट की वैल्यू हम ऐसे सेट कर सकते हैं जो हम मेजर करना चाहते हैं, कि मान लो कि हमें 10 मिली एम्पीयर चेक चाहिए, तो हम आई इक्वल्स टू 10 लेंगे, आई जी गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाला करंट और जी मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, क्लियर। तो यहाँ से हम जो ड्रॉबैक थी वो रिमूव करके हम गैल्वेनोमीटर को एज अ एमीटर यूज़ कर सकते हैं। ओके, अच्छे से नोट कर लो, डेरिवेशन 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ओके, अच्छे से नोट कर लो, इसके बाद हम पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर। ओके स्टूडेंट, अभी डिस्कस करते हैं गैल्वेनोमीटर को एज अ वोल्ट मीटर कैसे वर्क करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट गैल्वेनोमीटर को एज अ वोल्ट मीटर वर्क कराना हो तो कौन कौन से डिफिकल्टी आती है वो देख लेते हैं। तो चलो एक अपने पास वी इक्वल्स टू 10, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे मान लो कि ये आपके पास वी वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया है जिसकी वैल्यू है 5 ओम। ओके, आर इक्वल्स टू है आपके पास 5 ओम और जो करंट इसमें से पास हो रहा है आई इक्वल्स टू वो है 2 एम्पियर। करंट पास हो रहा है 2 एम्पियर, रजिस्टेंस है 5 ओम, तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो हमें थियोरेटिकली पता है, मैथमेटिकली हम पता है कि वी इजिकल टू हम आई आर करके अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओके बाबा ओम का हम फॉर्मूला अप्लाई करके इजीली निकाल सकते हैं वी इजिकल टू आई आर करके, ये आर के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप। ओके, तो फाइंड करना हो तो हम वी इजिकल टू आई आर करके फाइंड कर सकते हैं, तो कितना आएगा, वी इजिकल टू आई है 2 एम्पियर, आर है आपके पास 5, तो वोल्ट आएगा 10 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना होगा, आर के अक्रॉस में 10 वोल्ट होगा। लेकिन मुझे गैल्वेनोमीटर को एज अ वोल्ट मीटर यूज़ करना है तो कौन सी डिफ़िकल्टी आएगी वो देख लेते हैं। कि मान लो कि वही कंडीशन है, ये आपका बैटरी, आपका रेजिस्टेंस और इसके अक्रॉस में आपको क्या लगाना है, एक गैल्वेनोमीटर लगाना है
जिसको इस हम वोल्ट मीटर यूज़ करने वाले हैं। ये वी बैटरी, ये आई इक्वल्स टू 2 एम्पियर और ये आर इक्वल्स टू 5 ओम का रेजिस्टेंस। ओके, इतनी चीज़ें हमें पता है। अभी ये गैल्वेनोमीटर को एज हम वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे तो कहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता है, तो कि पैरेलल में करना पड़ता है। जो भी कंपोनेंट है अपने पास, जिसका हमें, जिसके अक्रॉस में हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस, उसके अक्रॉस में हमें ये मीटर लगाना होता है, क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में कॉन्स्टेंट होता है। ओके, तो वोल्टेज पैरेलल में कॉन्स्टेंट मतलब वहाँ पर हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो अपने पास रजिस्टेंस बॉक्स है उसके पैरेलल में हमें दोनों टर्मिनल कनेक्ट करने पड़ेंगे मीटर के। तो हमने गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल कनेक्ट कर दिए पैरेलल में। अभी कंडीशन होगी क्या, देखो यहाँ से करंट आई तो आ रहा है, लेकिन यहाँ से करंट आई डैश जाएगा। क्यों आई डैश जाएगा? क्योंकि कुछ अमाउंट का करंट इसमें से पास हो जाएगा आई जी जितना। क्यों? क्योंकि देखो गैल्वेनोमीटर में से कुछ ना कुछ करंट पास होगा ही होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पे बिल्कुल भी करंट नहीं आएगा। क्योंकि देखो गैल्वेनोमीटर में तभी करंट पास नहीं होगा जब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो, इन्फिनिटी हो, इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट होगा तभी इसमें से करंट पास नहीं होगा, लेकिन कुछ कम अमाउंट का करंट तो पास होगा। फॉर एग्जाम्पल जो आई जी है गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाला करंट है वो 0.5 एम्पियर है। तो यहाँ से जो करंट आई डैश पास होगा वो कितना होगा, 1.5, क्योंकि टोटल करंट है अपने पास 2 एम्पियर। तो जंक्शन पे पास डिवाइड होगा तो 1.5 और 0.5 में डिवाइड होगा, क्योंकि कम अमाउंट का करंट जा रहा है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है हमने कंसिडर किया है। ओके, अभी देखो कि जो हम वोल्टेज मेजर करेंगे, ओके, इसके अक्रॉस में गैल्वेनोमीटर से वी डैश, तो आपको मिलेगा आई डैश इंटू आर। तो आई डैश आपका 1.5 और आर है आपका 5, तो आंसर आएगा आपको 7.5 ओम। जो एक्चुअल था आपका 10 वोल्ट, उसकी जगह पे आपको 7.5 मेजर करके दिखाएगा गैल्वेनोमीटर। ओके, तो हमें तो एक्चुअल फाइंड करना था कि इसके अक्रॉस में कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो कि 10 वोल्ट, सॉरी, इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज होना चाहिए वो 10 वोल्ट होना चाहिए, और आपको मेजर करके कितना दे रहा है, 7.5। तो हमें उसके नज़दीक जाना है, 10 वोल्ट के नज़दीक जाना है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू लानी है। ओके, या तो ट्रू वैल्यू के नज़दीक जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आई जी है उसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर का जो करंट पास हो रहा है वो कम करना पड़ेगा। तो आइडियल केस में जो वोल्ट मीटर होता है, आइडियल वोल्ट मीटर, उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, मतलब इसमें से करंट पास नहीं होना चाहिए। जितना भी करंट यहाँ से पास होगा तो इसके अक्रॉस में आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। ओके, तो गैल्वेनोमीटर के साथ ऐसा हम क्या करें कि ये वाले जो रीजन है, ये वाला जो ब्रांच है, उसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाए। तो हमें पता है स्टूडेंट कि सीरीज़ में रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो यहाँ पे हम सीरीज़ में ये गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में एक ऐसा रेजिस्टेंस बॉक्स लगा लेते हैं जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू गैल्वेनोमीटर से भी ज़्यादा हो। तो क्या होगा, हमें पता है कि सीरीज़ में, हमें अभी रिसेंटली देखा था कि जब सीरीज़ में हम कनेक्ट करते हैं, ये मान लो कि 2 ओम है और ये आपका 1 ओम है। ओके, दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट किया तो आर इक्विवेलेंट आपका कितना आएगा, 2+1 3 ओम आएगा। तो देखो लार्जर वैल्यू थी 2 ओम, उससे भी लार्ज वैल्यू आती है। तो यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर से बड़ा कोई रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दे तो इनका इक्विवेलेंट गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा आएगा। तो करंट ये लार्ज अमाउंट वाले रेजिस्टेंस पाथ से नहीं जाएगा, ऊपर से ही चला जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा करंट। ओके, क्योंकि यहाँ अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट वही पाथ चूज़ करता है जहाँ पे उसको मिनिमम रेजिस्टेंस लगे। तो यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ा दो, ओके, आइडेंटिकली हम इन्फिनिटी बोले तो वो करंट ऊपर से ही चला जाएगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलेगा 10 वोल्ट। क्लियर? तो चलो, कि यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट वी फाइंड करना हो, कि मुझे वी मतलब 10 वोल्ट फाइंड करना हो, तो मुझे यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना पड़ेगा, मतलब मैं जो रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ सीरीज़ में उसकी वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, तो कि यहाँ से मैं एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा जिसको हम बोलेंगे सीरीज रेजिस्टेंस आरएस। तो कि आरएस की वैल्यू कितनी रखे कि यहाँ से करंट नहीं पास हो, ऊपर से करंट पूरा पास हो। तो आरएस की वैल्यू निकालने के लिए ये वाले पाथ के अंदर हम केवीएल अप्लाई करके आरएस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलो आरएस की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो देखो अपने पास सर्किट अरेंजमेंट कुछ इस तरह से, ये आपका गैल्वेनोमीटर और उसके साथ ये सीरीज़ में सीरीज रेजिस्टेंस, ओके, ये आपका आर एस है और ये आपका गैल्वेनोमीटर जी। अभी स्टूडेंट ये वाले पाथ में कौन सा करंट आ रहा है, आई जी आ रहा है, ये वाले पाथ में आई जी करंट जा रहा है। तो स्टूडेंट ये जी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं आई जी डॉट जी जितना रेजिस्टेंस होगा, सॉरी वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये आर एस के अक्रॉस में कितना होगा, तो क्या आई जी डॉट आर एस जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये हमें आइडिया पता है।
क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, V इज इक्वल टू आई आर, आई करंट आई जी जा रहा है, करंट हमारा यहाँ पे आई जी है। ओके, रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का हमने जी कंसिडर किया, सीरीज रेजिस्टेंस का वैल्यू हमने आर एस कंसिडर किया, तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप आई जी डॉट आर एस, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप आई जी डॉट जी। तो मुझे ये आर एस की वैल्यू निकालनी है। तो सपोज करो कि यहाँ का पोटेंशियल वी ए हो और यहाँ का वी बी हो। ओके, तो हाई पोटेंशियल कौन सा होगा ये, क्योंकि फ्लो हो रहा है हाई टू लो। ओके, वी ए ना ले, चलो हम ये ले लें कि ये अपना हायर पोटेंशियल है और ये अपना लोअर पोटेंशियल है। ओके, तो फ्लो हो रहा हायर टू लोअर। ओके, तो मुझे इसमें केवीएल अप्लाई करना हो तो कैसे करूँ, तो चलो इसके अक्रॉस में मैं बैटरी एज्यूम करूँ, ये मैं बैटरी एज्यूम कर रहा हूँ। ओके, जिसका पोटेंशियल वी जितना है। ओके, तो मैं माइनस से प्लस की तरफ मैं केवीएल अप्लाई करूँ इसे, तो देखो क्या होगा, माइनस टू प्लस में, मतलब मैं केवीएल अप्लाई करूँ तो समेशन आई आर होता है केवीएल का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अप्लाई करूँ तो क्या होगा, वी पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखो माइनस टू प्लस जा रहे हैं, माइनस टू प्लस मतलब मैं लोअर टू हायर में जाएंगे तो इंक्रीज होता है, इसलिए यहाँ पे हम पॉजिटिव में लिखते हैं। फिर ये वाले केस में हम ऐसे जा रहे हैं ना, ये मैंने एरो दिखाया, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लो की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन सेम, तो ये हायर टू लोअर है ना, ये प्लस ये माइनस, तो मतलब पोटेंशियल ड्रॉप डिक्रीज होगा, यहाँ पे भी हायर टू लोअर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज को दिखाने के लिए माइनस साइन यूज़ करते हैं, तो माइनस आई जी डॉट जी, इसको सफिक्स में लिखना आई जी डॉट जी, माइनस आई जी डॉट आर एस इज इक्वल टू जीरो। ओके, हमें फाइंड करना है ये वाला टर्म, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि तो यहाँ पे आई जी डॉट आर एस निकालना है ना मुझे, तो ये वाले टर्म को उस साइड ले लेता हूँ, तो आई जी डॉट आर एस इक्वल्स टू वी माइनस आई जी डॉट जी, ये इक्वेशन है। मुझे आर एस निकालना है, तो आर एस को सब्जेक्ट बना दूँ, तो आर एस को सब्जेक्ट बनाने से आर एस इक्वल्स टू वी माइनस आई जी डॉट जी डिवाइडेड बाई क्या आएगा, आई जी। अभी इंडिविजुअल डिनोमीटर दे दो, तो इंडिविजुअल डिनोमीटर देने से वी अपॉन आई जी, वी अपॉन आई जी माइनस आई जी डॉट जी डिवाइडेड बाई आई जी, ये आई जी आई जी कैंसिल आउट, तो फॉर्मूला आपके पास कुछ इस तरह से होगा, आर एस इक्वल्स टू वी माइनस आई जी माइनस जी। ये आपके पास सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हुआ कि आपको वी वोल्ट मेजरेबल जो वोल्टेज है वो उसके लिए आपको आर एस की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, तो ये वाले फॉर्मूले से आप सेट कर सकते हो। आई जी गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाला करंट, जी मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। ओके, तो हमारी जो एन सी आर टी की टेक्स्ट बुक में शॉर्ट एंड सिंपल में दिया है, फॉर्मूले भी दिए नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूले और जो करंट फाइंड करने के लिए, सॉरी एज ए मीटर कन्वर्ट करने के लिए जो संट का फॉर्मूला हमने डिराइव किया, वो सब हमें एग्ज़ाम के अंदर, प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर यूजफुल होगी, क्योंकि प्रैक्टिकल हमें करने हैं, इसके एक्सपेरिमेंट भी है। तो गैल्वेनोमीटर को एज हमें ए मीटर में कन्वर्जन करना है, और गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन हम करेंगे वोल्ट मीटर में, दोनों एक्सपेरिमेंट है, उसमें आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये हमने डिराइव किया यहाँ पे। ओके, तो अच्छे से नोट कर लो, हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, थैंक यू।